जिला हमीरपुर के ताल में सांसद अनुराग ठाकुर ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम का शुभारंभ किया। ताल के लोगों को अब पैसे निकालने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ताल में एटीएम खुलने से लोगों को लाभ पहुंचेगा। ताल में पहुंचने पर पीएनबी बैंक के कर्मचारियों और लोगों ने सांसद अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर महिला मोर्चा की सदस्या प्यारेलाल शर्मा, ताल पंचायत प्रधान, पीएनबी बैंक के कर्मचारियों के अलावा काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज देश में केंद्र की मोदी सरकार लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के हितों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं, महिलाओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की सुविधा दी है। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों लिया और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि आज भी सोनिया गांधी की लोकसभा क्षेत्र में चले जाएं तो वहां लोग आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। पर किसान को उसका हक दिलाया है तो देश का कितना पैसा बचा? 80,000 करोड़ रुपया खाद की सब्सिडी का किसी ने बताया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर बताया। ये आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। इसी तरह से आप देखिए, रसोई गैस का सिलेंडर आपको पहले कैसे मिलता था? सब्सिडी पहले आपके खाते में नहीं आती थी। ये जो डिपुओं का राशन था वहां पर आपका बायोमेट्रिक कार्ड नहीं चलता था। मिट्टी का तेल आप में से कितने लोग लेते हैं? लेकिन मोदी जी ने जब अंगूठा लगवाना शुरू कर दिया बायोमेट्रिक कार्ड से तो अब क्या हुआ? जिसका राशन है उसी को मिलता, दूसरे को नहीं मिलता। और जिसका सिलेंडर का पैसा उसके खाते में आता, किसी और के खाते में नहीं। क्योंकि हमारे हिमाचल में जीने का स्तर बहुत अच्छा है। आज भी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी की लोकसभा क्षेत्र में जाइए, किसी को भी जाना होगा टिकट ट्रेन की मैं कटवा कर दूंगा। वहां जाकर देखिए, आज भी हजारों नहीं लाखों लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। लाखों परिवार को जिस पार्टी को वहां के लोगों ने जिताया, वो आजादी के 70 वर्षों के बाद भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। किसी ने सवाल पूछा की सरकार रही क्या वो अपने इलाके में एम्स अस्पताल खुलवा पाए, पीजीआई खुलवा पाए? राहुल गांधी सोनिया गांधी नहीं खुलवा पाए, लेकिन मैं बिलासपुर में एम्स, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज और ऊना में पीजीआई अस्पताल की मंजूरी करवाई है। वो भी मात्र 4 वर्षों में मोदी सरकार की। उन 4 वर्षों में भी 2014 में मैंने एम्स अस्पताल मंजूर करवाया। 2017 तक कांग्रेस ने यहां पर जमीन नहीं दी। 3 साल प्रदेश में जमीन लेने के लिए लग गए। हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज 4 साल तक जमीन नहीं मिली, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई हमने 5 महीने के अंदर क्लीयरेंस भी ली, जमीन भी की, भवन भी तैयार करवाया और 400 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उद्घाटन कर दिया है। भाइयों,